Hey everyone, good evening, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में भी, आज के वीडियो की शुरुआत एक लेडी की कहाँ से हो सकती है ना, किचन से ही हो सकती है। तो शाम का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में। ऑफिस से आने के बाद, चेंज वेंज करने के बाद, थोड़ी देर बैठने के बाद अपना ब्लॉग एडिट किया और अभी सोचा कि एक और जो ब्लॉग है वो मैं बना लेती हूँ। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। आज डिसाइड हुआ है कि आज बनाते हैं कढ़ी और लिंगडू की सब्जी आई है, वो तो सुबह के लिए बनेगी, काट के रख देंगे रात में ही। अगर रात में ही मौका मिला तो रात में उसको कट कर पका के भी रख देंगे, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा टाइम की जो है दिक्कत रहती है। वैसे बन जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं है, तो बट कट करके तो रखनी ही पड़ेगी। तो अभी आके पहले मैंने बर्तन धोए, ये अभी टिफ़िन वगैरह आए तो वो थोड़े से फिर से हो गए, तो ये भी धोऊंगी। आदित्य का टिफ़िन भी है। आके जो है किचन का ये काउंटर किया है मैंने क्लीन, जो ये शेल्फ है ये, क्योंकि मार्बल है ना, इसमें हल्दी गिरती गिरती है तो ये फिर हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, पीला पीला होने लग जाता है। तो उसको अच्छे से जो है स्क्रबर से रगड़ के मैंने मतलब स्क्रब किया है इसको, तो फिर अभी थोड़ा इसको क्लीन किया है। और नीरज गए हैं बेसन लाने के लिए और दही लाने के लिए, क्योंकि बेसन था लेकिन वो कम था और दही था नहीं, तो दही भी लाएंगे। आदित्य आप पढ़ रहे हो कि फोन ऐसे देख रहे हो, मेरे को एक बात बताओ जरा। हाँ, क्या बनाना सीख रहे हो? हाँ, कैट। इनके कमरे के हाल बेहाल है एकदम। तो बाहर तो खैर हॉल पहले एकदम साफ था। ये कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करके अच्छा बनता है, ऐसे खुद से नहीं बनता है अच्छा। और ये उर्वी ने फैला रखा है यहाँ पे, वैसे एकदम साफ था, क्लीन था, बट इसने खेल रही थी ये, तो फिर अच्छा अभी इसने वो कर दिया है, बाहर फैला दिया है सारा, उसको तो हम करेंगे अभी ठीक। पर अभी कढ़ी बनाएंगे। और यार मैं भूल गई कि मुझे चाय भी चढ़ानी थी, वो चढ़ा लेती हूँ पहले। आज मैं बना रही हूँ अपने पापा की स्टाइल की कढ़ी। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ही दही, बेसन और हल्दी नमक पहले ही ऐड कर देते हैं, और फिर ऐड करने के बाद जो है इसको उबालेंगे, मतलब ऐसे ही बॉईल करते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा, तब तक इसको ऐसे कड़छी से चलाते रहेंगे। और जब इसमें उबाला जाएगा तो इसकी जो फ्लेम है उसको कम पे ही रखेंगे और इसको कड़ने देंगे, और इसमें तड़का जो है वो लगाया जाता है बाद में। तो यूजुअली जो भी कढ़ी बनती है उसमें तड़का पहले लगाते हैं, बट ये मेरे पापा का स्टाइल है, वो पहले कढ़ी को काटते हैं फिर बाद में उसमें तड़का लगाते हैं। तो आज हम भी वैसे ही बनाएंगे। तो इसको अच्छे से काट लेते हैं। तो कुकर में ना, ये ऐसा मत सोचना कि गंदा है, ये बेसन गिरा है, क्योंकि मैं इसी में डायरेक्ट जो है वो घोल बना लिया था हर चीज़ का, और मैं कुकर में बना रही हूँ। और मेरी गैस का ना ये वाला जो पार्ट है आउच गर्म है, क्योंकि चाय बनी है अभी, तो ये ना जल जल के ऐसा हो चुका है, तो अब ये साफ़ नहीं होता है। और मैं भी सोच रही हूँ अब कि ये वाला ना चेंज करके ग्लास का ले लूँ, बट ग्लास का ना मुझे डर लगता है कि वो चिटक के कहीं फट ना जाए, तो देखते हैं अभी। वैसे तो ये भी ठीक है, देखते हैं कभी करेंगे अगर बहुत ही ज़्यादा लगेगा कि चेंज करना चाहिए। वैसे तो ये भी अभी कुछ टाइम पहले ही लाया था मैंने, बट ये ना कुछ ठीक है, मतलब वैसे तो सन फ्लेम का है, पर ये चीज़ ना ये वाले बड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं इनके। ये देखो जी, हमारी जो कढ़ी है उसमें उबाल आ चुका है, बस अब ये कटती रहेगी ऐसे धीरे धीरे, बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पकौड़े की तैयारी, इसके लिए मैंने आलू जो है बारीक बारीक कट कर लिए, ये इतने पतले उसमें कट किए हैं मैंने। तो चलो अब इसको इसमें डाल देते हैं, नहीं तो एकदम से आलू ना फिर काले काले पड़ने लग जाते हैं। तो इसमें डालती हूँ बेसन, डालती हूँ नमक, डालती हूँ और थोड़ी सी डालूँगी मैं हरी मिर्च कट करके। तो इसमें देखिए मैंने दही से ही बना रही हूँ, मैं इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी। बेसन, दही, हल्दी, थोड़ा सा नमक और आलू, आप चाहे तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा डाल दिया इसमें मैंने कड़ी पत्ता भी, और ये रेडी हो गया है बनने के लिए।
कड़ी अच्छे से कट चुकी है, अब करते हैं उसके तड़के की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा ये पैन ले लिया है और इसमें डाल दिया है ऑयल। ऑयल मैंने वही वाला यूज़ किया है जिसमें कि मैंने जो पकौड़े हैं वो फ्राई किए थे। तो तेल गरम हो चुका है, इसमें ऐड कर दिया मैंने थोड़ा सा हींग, और अभी इसमें जीरा और साबुत धनिया जो बेसिक मसाले रहते हैं वही मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पे जीरा मैंने ऐड कर दिया है और साबुत धनिया भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो छोटे से पैन में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्ट अब ये जो तड़का है ना ये डायरेक्ट मुझे उस कुकर में डाल देना है जिसमें मैंने कड़ी को अच्छे से काढ़ा हुआ है। और आपको पता है कि कड़ी मैं थोड़ी पतली पतली सी बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में जो है उनको थोड़ी पतली कड़ी पसंद है, अदरवाइज़ गाढ़ी कड़ी बनाओ तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। बट वही है ना कि सबका अपना अपना जो है स्टाइल है खाने का। तो चलिए ये जो मसाले इनको थोड़ा सा चिटकने देते हैं, फिर इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च जिनको मैंने सिर्फ चॉप किया है, इनको मैंने इस बार क्रश नहीं किया है, मतलब कुंडी में नहीं पीसा है, बस वैसे ही मैं ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि ना कड़ी में वो जो लहसुन आता है ना ऐसे पका हुआ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये लहसुन और अदरक और हरी मिर्च बस यही तीन चीज़ें अभी ऐड की है। प्याज अभी हम ऐड कर देंगे इसमें, पर प्याज डालने से पहले यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है क्योंकि कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है कड़ी में। और अभी टाइम आ गया है इसमें प्याज ऐड करने का, तो प्याज भी मैंने ऐड कर दिया। बस अभी इसके बाद कुछ नहीं करना, ये जो मसाला है इसको अच्छे से पकाना है और लास्ट में थोड़ी बहुत चीज़ें मैं ऐड करूँगी इसमें, जैसे कि हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, दैट्स इट। और इसमें कुछ नहीं, हाँ आप चाहें तो देगी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, उससे कलर जो है अच्छा आता है। और अगर आप मिर्च ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो आप इसमें साबुत मिर्च भी डाल सकते हैं, जो सूखी लाल मिर्च होती है वो। मैं वो ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चों ने भी खानी है तो इसलिए मैंने हरी मिर्च ऐड की है। तो हरी मिर्च आजकल कुछ ज़्यादा तेज़ आती नहीं है और मैं क्वांटिटी भी कम ही रखती हूँ। तो हल्दी नमक ऐड कर दिया है और ये बस थोड़ा सा गरम मसाला, बिल्कुल ज़रा सा। तो तड़का पक चुका है, इसे ऐड कर देते हैं अब कड़ी में। आप देख ही सकते हो ये जो आवाज़ आती है ना ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, छिस की आवाज़ आती है तड़के की, ये बहुत अच्छी लगती है। तो बस अभी इसमें ऐड कर देते हैं और कड़ी हमारी रेडी हो गई है। बस अभी इसमें जो पकौड़े हैं ना वो हम ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ढक के रख देंगे अपना ये जो कुकर है इसको, और फिर हमारी कड़ी जो है वो रेडी हो जाएगी खाने के लिए। और साथ में आपको पता है ये कड़ी बनी है तो चावल बनेंगे ही। अब ये मत सोचना आपकी इतनी पतली कड़ी बनाई है कि ये पतली कड़ी ही खाते हैं, इवन मैं जब कड़ी को गाढ़ा भी कर देती हूँ तो भी इनको ऐसा रहता है कि नहीं इसको थोड़ा और पतला करो और पतला करो। तो फिर इसलिए मैंने थोड़ी सी जो है ये पतली कड़ी बनाई है। और जब हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे ना तो ये कड़ी वैसे ही थोड़ी सी जो है मतलब गाढ़ी हो ही जाएगी ऑटोमेटिकली। अब कुछ पकोड़े तो मैं इसमें ऐसे तोड़ के डाल रही हूँ, कुछ पकोड़े मैं एज़ इट इज़ जैसे साबुत होते हैं वैसे के वैसे ही डाल दूँगी। और पकोड़े में भी बेसन है तो उस वजह से कड़ी थोड़ी सी और जो है मतलब गाढ़ी हो जाएगी। अभी तो गाढ़ी नहीं है, अभी तो थोड़ी पतली है पर हल्की सी गाढ़ी हो जाती है। तो पकोड़े कुछ ऐड कर लिए हैं तोड़ के और कुछ वैसे ही। तो बस अभी इसको ढक के रख देंगे। आपके पास हरा धनिया है तो हरा धनिया ज़रूर डालिए, मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो फिर मैंने नहीं डाला है। और कड़ी जो है हमारी अब ऑलमोस्ट रेडी है। तो जी डिनर मेरा बन चुका है, चावल भी मैंने बना दिए हैं, कड़ी भी बन के रेडी हो गई है। और अभी जो है टाइम हो गया है 8:07 शाम के, 10 ही हो गए। अब हम जा रहे हैं दूध लाने के लिए भी और वॉक के लिए, दोनों जाएंगे मैं और नीरज। बच्चों को खाना जो है तनु दे देगा जैसे ही चावल का जो प्रेशर है वो उतरता है वो। और वैसे इनको पकौड़े दिए मैंने खाने के लिए, देख ले फोन है। एक देखना ये बंदा के हाथ में पकड़ी किताबें और उधर, अच्छा दिखा ये देख अभी किया ना इंस्टा बंद, गाने लगाए साथ में। गाने का क्या मतलब है, लिख रहा है तो पढ़ रहा है उसके लिए तो गाने सुनते सुनते होगा याद। नहीं दूसरा म्यूजिक है इसको, देख उस मिल चुकी है कि अगर फेल तो कहा जाएगा कल भी। मैं यहाँ लिखूंगी बड़ा बड़ा, वहाँ सामने दे दीवार में देख उधर वो ऊपर पड़ती है ना सबसे पहले नजर, कलरी। ठीक है सुन हम जा रहे हैं वॉक पे, ठीक है। और इनको खाना दे देना, अभी प्रेशर हो गया है, प्रेशर है अभी कुकर में, ठीक है। और दरवाजे में कुंडी लगा ले अंदर से, आधी लगा लिया मैं, खुला रहता दरवाजा बस। नहीं मुन्नी चल जाती है बाहर, छत पे भी चल जाती है ना कुंडी बाहर वाले दरवाजा। अच्छा अच्छा, तो सुबह तो बिल्कुल भी मौका मिल नहीं पाता है वॉक पे जाने का, तो इसलिए हम शाम को ही थोड़ा 2-3 किलोमीटर जितना पॉसिबल हो पाता है उतना चल लेते हैं। और ये तो एकदम ऐसे दौड़ रहे हैं, मुझसे इतना तेज़ नहीं दौड़ा जाता है बट फिर भी कोशिश रहती है। कितने किलोमीटर होने वाले हैं हमारे, घर तक होते होते 4 हो जाएंगे ना, पसीना भी आ गया आज तो। ओह माय गॉड, खून पसीना एक करके
अगर हम पतले नहीं हुआ तो इसको कम कर दो। तुम्हारी क्या शब्द नहीं आ रहा है, हमारे एकांत में कलर डाल दिए तुमने। एकांत में कलर सब तक लिया। वैसे भी अंधेरा है, पीछे से गाड़ी आ रही है, घर जाके मिलते हैं दोस्तों। रास्ते में मिले तो हम प्रभु से मिल जाएंगे ऐसे, क्योंकि शाम के टाइम बहुत तेज चलते हैं लोग, खासकर बाइक वाले। बाइक वाले क्या, गाड़ी वाले भी, सुनसान होती है ना सड़क, इसलिए हाँ एकदम प्रकाश की किरणें हमारे चेहरे पर पड़ती हुई। तुम्हारे मदन लाल आपको क्या लगता है ये जो पिच है इस पे हमारी भारतीय टीम बढ़िया बल्लेबाजी कर पाएगी? हाँ अमरनाथ, मुझे लगता है कि पिच में नमी काफी अच्छी है, अगर जावेद मियादाद बॉल करवाएंगे तो काफी टर्न मिलेगा बॉल को, सीम भी हो सकती है। तुमने नहीं देखा अगर, घर पे मिलते हैं, अंधेरा हो गया एकदम वर्ल्ड कप की। ये देखो जी हमारे गाँव का सुबह सुबह का वेदर, 7:30-7:30 बजे का। हाँ तो वही हुआ 7:15। और ये देखो पूरा बरसात वाला, विजिबिलिटी जीरो, धुंध पड़ चुकी है, तो ऐसा बरसात में होता है अक्सर। तो इस बार जो है अभी ये आज May 31st है और 31 मई को ये हमारा ये वाला एरिया ऐसा लग रहा है अभी, कैमरा में उतरा नहीं आ रहा, जैसे वो जंगल नहीं होते, हाँ जल्दी जाओ, जंगल नहीं होते बरसात में जहाँ पे बस पेड़ ऐसे नज़र आते हैं और कुछ नज़र नहीं आता, सेम वैसा वैसा हो रहा है। तो ये है जी यहाँ पे बरसात का आगमन हो चुका है, वो देखो गाड़ियों की लाइट्स भी नहीं नज़र आ रही है। कल रात से देखो बारिश, इतनी बारिश रात में, इतना तूफान, कहीं तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा था कि पता नहीं बिजली गिरी क्या हुआ, बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आ रही थी। ये चीज़ें दिखा रही हूँ बट ये नहीं दिखा रही कि ये जो हमारे घर के सामने पेड़ है ये भी टूट गया है भाई, यहाँ बहुत भारी नुकसान हुआ है, बहुत तेज़ बारिश हुई है रात में। बस मैंने आदित को भी स्वेटर पहना दी है क्योंकि ठंड इतनी हो गई है। और आदित खाना अभी तक दिखाओ, कितनी मची है, खाओ खाओ। क्रीम लगाई थी आपने सच में? मास्क लगा लो ठीक है, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई कि मैंने इसको भी वो पहना दिए, स्वेटर पहना दिए। पढ़ नहीं पाया होगा तू, है ना? हाँ हो गई है 12:30 बजे की लाइट। क्यों वो तेरी वो जो वो है लैंप उसमें भी नहीं है चार्जिंग? पावर बैंक खराब है ना, वो चार्जिंग होता है, पावर बैंक चलती है ना उसमें ना, तो चार्जिंग। तू बाहर भी नहीं जा सकता, बाहर वो छींटे लगे हुए बारिश के। और जैकेट पहन के जाइयो, ठंड है बाहर बहुत, बारिश तो लग पड़ी है फिर से। और ये मौसम ना बड़ा वो है ख़राब, एक तो विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो गई है, गाड़ियों का भी दिख नहीं रहा कुछ, तेज़ बारिश लग पड़ी है अब। और आज सुबह उठ के जो है मेरा सारा काम हो चुका है, मैंने सुबह सुबह जो है वो बनाई है, लिंगड़ू की सब्ज़ी होती है वो, और फुलके भी बन चुके हैं हमारे, चाय रखी है मैंने अभी बनने के लिए, तो चाय बन रही है। आई तो थी मैं छत पर टहलूंगी और अभी बारिश शुरू होगी, और देखना मौसम भी खराब है। ये है यहाँ का मौसम, मेरे को लग रहा है बरसातें शुरू हो गई हैं, हम लोगों को गर्मियाँ गुर्मियाँ कुछ नहीं मिलने वाली, बस ये सीधी बरसातें। पर अभी नीरज को बोलते कि अपनी गाड़ी ना आगे कर ले, क्योंकि हमको आज गाड़ी में निकलना पड़ेगा ऑफिस के लिए, स्कूटी पर जाने वाला मौसम ये बिल्कुल भी, बारिश इतनी है। तो फिलहाल जो है इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मुझे ना कारें कारें रख के निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज बच्चों को उसमें पैरों में लगी तो फिर गिरने का डर है। और सुबह सुबह ना यहाँ पे, सुबह नहीं मतलब रात में जो तूफान आया था उसकी वजह से, सामने जो मैंने आपको पेड़ दिखाए थे, पेड़ ना इतने बुरे तरीके से गिरा है, मतलब टूट गया है। और रात को यहाँ पे नीचे ही मतलब मेरे घर के पास ही इतने शॉर्ट सर्किट इतना ज़्यादा हो रहा था ना कि बिजली के एकदम चमकारे दूर दूर तक नज़र आ रहे थे। और ये बात रात के 12:30 बजे की है, और जब सुबह उठ के देखा तो इतना नुकसान हो रखा था, पेड़ भी यहाँ पर यही दिक्कत होती है, पेड़ कभी भी सड़कों पर गिर जाते हैं, जो पोल होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी वो भी नीचे गिर जाते हैं, ये बड़ी दिक्कत रहती है यहाँ पर। तेज़ बारिश हो चुकी है शुरू, और फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट करती हूँ, क्योंकि अब गर्मा गर्म चाय पियेंगे आराम से बैठ के, ब्लॉग को यहीं पेंट करती हूँ।
मिलती हूँ आप लोगों से अब नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बारिश की आवाज़, मेरी आवाज़ कुछ भारी पड़ रही है अब, तो इसलिए अब जो ब्लॉग है उसको एंड कर देती हूँ। आज तो ऑफिस भी मुझे लग रहा है बिना नहाए जाना पड़ेगा, क्योंकि लाइट है नहीं, और अगर आ भी जाएगी तो गीज़र ऑन करके अभी कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक हमारा जाने का टाइम होगा तब तक पानी गर्म ही होने वाला, बट मुझे लगता नहीं है लाइट आएगी। तेज़ हो गई बारिश, बाय।